श्रवण के लिए स्टडी किताबें स्टार्ट किए थे, इसके पहले हम लोगों ने पाठ 1 पाठ 2 को पढ़ लिया था। आज जो हम लोगों को पढ़ना था वो पढ़ना था पाठ 3। और हम ये जानते हैं हम लोग क्रम से लगातार पढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भर्ती परीक्षा के लिए पर्यावरण जिस तरह से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, उसी महत्वपूर्ण में इस पर्यावरण का जो एससीईआरटी किताब, इसका उपयोगिता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब बहुत सारी किताबें मार्केट से खरीदते होंगे, लेकिन इस किताब में जो कुछ है वो आपको बाजारी किताबों में नहीं मिलेगी। और इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और इसके सभी एपिसोड देखिएगा, और साथ ही साथ अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, उन्हें भी बताइएगा यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप भी तो देख ही रहे हैं। आज का जो लेसन हम लोग को पढ़ना था उसका नाम है अपशिष्ट और उसका निस्तारण। क्या है? अपशिष्ट और उसका निस्तारण। एक बार हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, फिर क्रम से हम करेंगे, एक एक दिन में एक एक पेपरों को सॉल्व करना भी हम लोग जल्द ही शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि कर से उसमें क्या है दिया है। मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप, मनुष्य एवं अन्य जीवों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप क्या होता है, निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ। क्या चीजें? अनुपयोगी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। मतलब मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि जीवों के द्वारा उपयोग के बाद जो अनुपयोगी पदार्थ बाहर निकाला जाता है उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अब देखते हैं, इस प्रकार अपशिष्ट पदार्थ वे वस्तुएं होते हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती, जिनकी आवश्यकता नहीं होती तथा जिनको हम फेंक देते हैं, माने जिनको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वस्तुओं को अपशिष्ट वस्तुएं कहा जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम कचरा कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? कचरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कचरा कहते हैं। घर, ऑफिस, कारखाना, खेतों में, अन्य जगह हम क्या करते हैं? कचरे को फेंकते हैं। तो उसी कचरे की आइए हम बात करते हैं। उसी कचरा को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। घर, ऑफिस, कारखाना, अस्पताल, यातायात साधन, खेल, खनियान, परमाणु केंद्र, तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं। माने हर प्रकार के अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। फिर देखते हैं, ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में रहते हैं। ये जो पदार्थ होते हैं ये ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। तीनों अवस्थाओं में ये हमें प्रॉपर रूप से मिलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को प्रायः भूमि जल स्रोतों द्वारा या वायु के विसर्जित कर दिया जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। कहने का मतलब, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसे हम क्या करते हैं? उसे किसी जगह फेंक देते हैं, इसे वायु में, जमीन में, आदि जगह क्या करते हैं, हम लोग विसर्जित कर देते हैं, जिसकी वजह से इन सभी स्थानों पर अलग अलग प्रकार का प्रदूषण होता है या प्रदूषण का जन्म होता है। ठीक है, प्रदूषण का जन्म होता है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? धीरे धीरे क्रम से पढ़ते हैं, क्योंकि ये एससीईआरटी की भाषा है, किताब की भाषा है। ठीक, हमारे ऑनलाइन क्लास और नोट्स भी मिलता है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। और आप साथ ही साथ इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कचरे के प्रकार विभिन्न भिन्न स्थानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो कचरा निकलता है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसे हम उसके आधार पर, उसे दिए गए कचरे के प्रकार के आधार पर, उसे हम तीन प्रमुख भागों में या तीन मेजर पार्टों में डिवाइड करते हैं। आइए एक एक करके क्रम से उन सभी को हम पढ़ने हैं, और साथ में आप इसकी नोट्स भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, क्योंकि यह आपके लिए उपयोगी है। ठीक, आइए हम उनके प्रकार को भी पढ़ते हैं। जब उनका प्रकार पढ़ते हैं तो पहला आता है क्या? ठोस अपशिष्ट। क्या आता है? ठोस अपशिष्ट। कौन सा अपशिष्ट? ठोस अपशिष्ट। इसके बारे में आइए देखते हैं क्या है। सब्जी और फलों के छिलके, सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकलने राख, खेत खलिहान से निकलने वाले विभिन्न फसलों के डंठल, भूसी, ये सभी ठोस अपशिष्ट के उदाहरण है। क्या है? ये सभी ठोस अपशिष्ट के उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठोस अपशिष्ट भी दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। एक वो जो कचरे को जैविक कचरा कहते हैं, एक वो कौन सा जो सड़ गल जाते हैं, जैसे फलों सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य जंतुओं के मल मूत्र, ये सभी ऐसे जिन्हें जैविक कचरा कहते हैं। अर्थात एक साधारण शब्द में कह दें, इको फ्रेंडली, मतलब जो
पर्यावरण को बिना किसी प्रकार नुकसान पहुंचाए उनका विघटन हो जाता है, वे सब ठोस अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, जैविक कचरा कहलाते हैं। कौन सा कचरा कहलाते हैं, वो सब जैविक कचरा कहलाते हैं। कौन सा कचरा, जैविक कचरा कहलाते हैं, याद रखिएगा इसे आप। हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कर दिए, शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करिए ना करिए लेकिन अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये किताबें बाजार में नहीं मिलती। दूसरे प्रकार के अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होते, जो स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में किसी रूप में बने रहते, और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कारखानों से निकलना रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि चीजें हैं जिन्हें ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत तो रखा जाता है लेकिन ये स्वयं नष्ट नहीं होते और ये पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार से बने रहते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा वर्तमान समय पर्यावरण का दुश्मन है वो है पॉलीथीन और प्लास्टिक, और प्लास्टिक से पॉलीथीन बनता है, ये सबसे ज्यादा इस समय खतरनाक है, हमारे पर्यावरण का सबसे बड़ा शत्रु है। किसकी, ठोस अपशिष्ट में। वैसे शत्रु तो सभी पर्यावरण के, जितना चीजें हम लोग अपशिष्ट पड़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो है वो ठोस जैविक के अपेक्षा ये जो है स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में बने रहते हैं। अब आगे देखते हैं, सड़ने गलने वाले तथा न गलने वाले कचरों को गीले सूखे कचरों के रूप में बांटा जा सकता है। अब इसमें भी सड़ने गलने वाले तथा न गलने वाले कचरों को गीले एवं सूखे कचरे के रूप में बांटा जा सकता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। ठीक, किसका, कौन सा कचरा, गीला और सूखा कचरा के रूप में इन्हें बांटा जा सकता है। और आगे देखते हैं, साग सब्जियों फलों का छिलका, साग सब्जी और फलों का छिलका, जीवों का मलमूत्र गीले कचरे के सामान्य उदाहरण है। ये गीले कचरे क्या है, सामान्य उदाहरण है। इसमें कांच, सिरमय की, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, पॉलिथीन आदि क्या है, सूखे कचरे के उदाहरण है। इसमें से भी जैविक कचरा, अजैविक कचरा की बात फिर आता है, गीला कचरा और सूखा कचरा। तो अब आप समझ गए होंगे कि गीला कचरा किसे कहते हैं, सूखा कचरा किसे कहते हैं। ठीक, और आगे भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर देगा। साथ ही साथ अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसका मोस्ट वेलकम, उसके लिए 6306344367। और हाँ, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गे सर, कभी कभी हम वीडियो डालते हैं वो आपको लिंक नहीं मिल पाता यूट्यूब पे, तो उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गे सर बिना स्पेस दिए, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं ई-लर्निंग विद दुर्गेश। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बेहचक पूछ सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे दिखा है, यहाँ पे कुछ दिया गया है और कहा है कि आपको सूखा कचरा और गीला कचरा में बांटना है। आप इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। वित्त में रखे हुए गीले कचरों को पहचान कर आया तो उनके अलग अलग लिखा जाए। ठीक, जैसे सब्जी का छिलका, केले का छिलका, पेंसिल का छिलका, बासी सड़े गले भोज्य पदार्थ, रद्दी कागज, पॉलीथीन, जीवा का मलमूत्र, प्रयोग की गई रुई, शीशे की बोतल। इसमें आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कचरा सूखा है और कौन सा कचरा गीला। उम्मीद करता हूँ बता लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये तो 6-7-8 के बालक बताते हैं, जहाँ पे दिया गया है ये हमारा पर्यावरण उच्च प्राथमिक स्तर 6-7-8 में पढ़ाई जाने वाली किताब है जो राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में मान्यता के तौर पर दी गई है। अच्छा, अगर आपने टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं किया होगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करिए दुर्गेश सर, वहाँ पे जुड़ जाइएगा। और साथ ही साथ ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज पे भी हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, और इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पे तो है ही यार। आगे बढ़ते हम लोग, अगले पेज पे चलते हैं। चलिए आगे पेज पे, आगे दिखाई दे रहा आपको। अब अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है द्रव्य अपशिष्ट। क्या है, द्रव अपशिष्ट, कौन सा अपशिष्ट, द्रव अपशिष्ट देख लेते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ठोस अपशिष्ट पढ़ा था, अब पढ़ेंगे द्रव अपशिष्ट। एक छोटा सा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहेंगे, यदि प्लास्टिक की कुर्सी टूट जाए तो किस अपशिष्ट के अंतर्गत रखा जाएगा। आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहेगा। ठीक है, नालियों और सीवर का गंदा पानी, नालियों और सीवर का गंदा पानी, ये कौन सा है, द्रव अपशिष्ट के अंतर्गत आता है, अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। उर्वरक, खाद उर्वरक जो खेतों में पड़ता है, चमड़ा और शोधन, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण है। ठीक, इसे नोट करते चलिएगा, वैसे सुन लेंगे खुद याद हो जाएगा, इतना इजी तो है ये।
ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाइएगा, याद हो जाएगा। ठीक, ऑनलाइन क्लास नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। आगे देखते हैं फैक्ट्री कारखानों में चिमनियों से क्या निकलता है। आइए इस बिंदु पर आपस में चर्चा करते हैं, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फैक्ट्री कारखानों के चिमनियों से क्या निकलता है, या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वह किस रंग का होता है, वह किस रंग का होता है, ऊपर जाकर वह कहाँ मिल जाता है, जो चिमनियों से निकलता है ऊपर जाकर कहाँ मिल जाता है, किस रंग का होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं गैसी अपशिष्ट की बात करते हैं। लकड़ी एवं कोयला के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकली गैसों के दुर्गंध आदि गैसी अपशिष्ट कहलाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट अपने आप आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार चूल्हे, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से भी धुआं निकलता है। क्या निकलता है? धुआं निकलता है। धुएं में कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ हानिकारक गैस, ठोस कण की पदार्थ पाए जाते हैं। धुएं में कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ ठोस हानिकारक गैसें व ठोस कण की पदार्थ भी पाए जाते हैं। अब धुआं गैसी अपशिष्ट का मुख्य उदाहरण है। धुआं गैसी अपशिष्ट का सबसे प्रमुख उदाहरण है। आगे पढ़ते आगे और रोचक मिलता जाएगा। अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके कई प्रैक्टिस सेटों में भी मिल जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, किसी ने पूछा है कि सर ऑनलाइन क्लास के लिए, तो उसके लिए हम बता दें 6306344367 पर आप कॉल करके ऑनलाइन क्लास के लिए जानकारी ले सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स के लिए जानकारी ले सकते हैं, और आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके सर्च करें दुर्गेश सर, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके लिए मेरा खुद का प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन इलनी भी दुर्गेश, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग, अब आते हैं अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या क्या है। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या क्या है हमें दिखाई देता है। अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? घर एवं ऑफिस से निकलने वाला कचरा, कृषि चिकित्सा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला कचरा, प्राकृतिक घटनाओं या युद्ध से निकलने वाला कचरा। ठीक, फिर आता है घर एवं ऑफिस से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत रसोई घर का कचरा, जैसे फल एवं सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, घरेलू कार्य, नहाने, कपड़ा धोने निकलने वाला गंदा जल, शौचालय मलमूत्र, पशुओं का पॉलिथीन, कांच प्लास्टिक के टुकड़े, सामान्य पुराने समाचार पत्र, मैगजीन, पुरानी फाइलें, दवाएं बेकार, फर्नीचर, वाहन आदि, इस प्रकार का कचरा कार्यालयों से ही निकलता है। कहने का मतलब ये है कि पहली लाइन जो हम लोगों ने पढ़ा, तो याद करिएगा, जैसे हमने इस लेसन की शुरुआत की गई थी वहां पे साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया था, लिखा गया था कि ऐसे पदार्थ, अगर इस पदार्थ की अगर हम बात करें, मतलब जो मनुष्य या जीव द्वारा उपयोग करने के बाद छोड़ दी जाती है सभी अपशिष्ट पदार्थ कहलाते, उन्हीं को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, ई कचरा क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न बन सकता है। ई कचरा ऑफिस से ई कचरा अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी निकलता है, जिसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि सभी आते हैं। यह सभी ई कचरा के अंतर्गत आते हैं, इन्हें ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। वर्तमान समय यह भी सबसे ज्यादा ई कचरा भी निकल रहा है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम आपका जवाब भी देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे ये लेसन आपका अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी और आगे है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है अगर आप इन सभी साथियों को शेयर कर देंगे, बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके पास ये किताबें उपलब्ध ना होने पाए, नहीं हो पाती, तो उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। तो अगर आप शेयर कर देंगे तो उन तक पहुँच जाएगा, वैसे आपकी इच्छा, आप इस मामले में स्वतंत्र हैं। ठीक, चलिए आते हैं, हम लोग बात करते हैं एक एक करके। औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे, औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत सभी तरह के फैक्ट्री से मिले, जैसे स्लास्टर,
स्लाटर हाउस जिसे कसाई घस कहते हैं, शराब की भट्टी, टेक्सटाइल, पेपर, स्टील मिल से निकलने वाले ठोस और तरल कचरा भी आता, मतलब ये सब औद्योगिक कचरे ही कहलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाले खराब राख, धूप, पानी और रेडियोधर्मी पदार्थ सभी औद्योगिक कचरे के रूप में है। ये सभी औद्योगिक कचरा कहलाते हैं या औद्योगिक कचरे के रूप में ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। पुरानी इमारतें और भवनों के ढहने से गिरने से इमारतों के निर्माण में निकली सामग्री जैसे ईंट, पत्थर, सीमेंट, बालू आदि भी औद्योगिक कचरा है। ये सभी क्या है? ये सभी भी औद्योगिक कचरा है। धातुओं के निष्कर्ष में भी ठोस व तरल कचरा निकलता है। धातुओं के निष्कर्षण में भी ठोस व तरल कचरा निकलता है। इन सभी भी हमारा कचरा निकलता है। ये सभी रट के पढ़ाना इसलिए उचित है क्योंकि एक बार अगर आपके पास किताबें नहीं है तो यह नोट्स आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए ये प्रॉपर वे में तैयार हो जाएंगी और आप पूरी स्लाइड एक तरफ से देखते जाएंगे, पार्ट एक, पार्ट दो, पार्ट तीन के रूप में आपको एक क्रम से मिलता जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कृषि क्षेत्र में कुछ जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट है जैसे सूखी पत्तियां, डालियां, भूसी, उर्वरक, कीटनाशक निकलते हैं। यातायात के समस्त साधन गैसीय अपशिष्ट के मुख्य स्रोत है। वाहनों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है। वाहनों से निकलने वाला धुआं कौन सा है? गैसीय अपशिष्ट है। अच्छा, एक प्रश्न आप बताइएगा, जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है वो कौन सी गैस होती है? जो वायु प्रदूषण का भी मुख्य कारण है। यह क्या है? वायु प्रदूषण का भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, आगे बढ़े। चिकित्सीय अपशिष्ट जो कि अस्पतालों और दवाखानों से निकलते हैं जैसे पट्टी, बैंडेड, खराब दवाएं, उपचार में प्रयुक्त रुई, सिरिंज आदि बहुत हानिकारक होता है। अपशिष्ट के रूप में एकत्रित यह कचरा अनेक तरह से संक्रमण का कारण होता है। माने जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को नुकसान ही पहुंचाते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने एक एक करके क्रम से हम पढ़ते भी जा रहे थे। जैसे प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात आदि के बाद भी अपशिष्ट के रूप में मलवा, लावा, राख आदि निकलता है जो वातावरण में एकत्रित होता है और यह प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को सीधा प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, और इन्हीं को हम आगे बढ़ेंगे तो प्रदूषण के रूप में एक अध्याय के साथ पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर कोई समस्या हो तो आप बेहचक आप पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सर्च करके दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए इलर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे भी हम आपको इसी नाम से मिल जाएंगे, जो इलर्निंग विद दुर्गेश के नाम से ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये सारी चीजें बाद में, आगे चीजें हम लोग देखते हैं। काम की चीजें, अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव। अभी तक आपने जाना किन किन क्षेत्रों से किन किन प्रकार से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? यदि वे अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे होते रहते तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होंगे। ये सभी अगर अपशिष्ट पदार्थ अगर इकट्ठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होंगे। ये मनुष्य स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव डालेंगे और इनका संग्रह कई उदाहरण आइए देखते हैं। मतलब कि अगर इनको एकत्रित किया जाए, एक साथ अगर, तो कहीं ना कहीं मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे क्योंकि हम ये जानते हैं ये जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो ये किसी न किसी प्रकार से वायुमंडल में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। और ये पर्यावरण प्रदूषण भी देखिए कई प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। माने हर प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ किसी न किसी प्रकार का वह पर्यावरणीय प्रदूषण को जन्म देता है और ये जो पर्यावरणीय प्रदूषण है ये मनुष्य को भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं और यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे भी गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की उम्मीद भी है और उम्मीद पर दुनिया टिकी है, आप क्यों नहीं रहेंगे? आइए एक करके देखते हैं। पहला में मिलता है दिसंबर 1984 में, डेट आती है 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, क्योंकि 3 दिसंबर की 2 दिसंबर की रात में और 3 दिसंबर की भोर में हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी, यह प्रश्न आपका UPTET में पूछा जा चुका है। भोपाल गैस त्रासदी, तो जो भोपाल गैस त्रासदी थी यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव की वजह से हुआ था। इस गैस से शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया था, ता हजारों जाने गई थी और हजारों को इसने पीड़ित भी कर दिया था। मतलब कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और कुछ लोग इससे पीड़ित भी हो गए थे। मतलब ये भोपाल गैस त्रासदी भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद की एक बड़ी घटना थी जिसमें लाखों लोग सोए रह गए और कितने
बीमार हो गए। अन्य लोग जीवन के काल के लिए अनेक बीमारियों से कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना से ग्रसित हो गए। इसके बाद भी इस घटना का असर इस प्रकार रहा कि वहां के निवासियों को कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना जैसी बीमारियों से ग्रसित कर गई या ग्रसित हो गए। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस घटना को भारतीय इतिहास में भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। इस घटना के बाद भी फैक्ट्री कचरे के रूप में घातक रसायन निकले जिससे आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी और जल से प्रभावित किया। इसके बाद भी अन्य फैक्ट्रियों से उस फैक्ट्री से बहुत सारे रसायन निकले जो वहाँ के कृषि को, वहाँ के जल को, वहाँ के नागरिकों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रभावित किया। इन अपशिष्ट आज भी इन अपशिष्टों का दुष्प्रभाव वहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को दिखाता। आज भी भोपाल गैस त्रासदी हुए लगभग 16 और 19 कितने हुए 35 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उसका असर वहाँ के नागरिकों पर दिखता है। आज भी वहाँ पे इसका प्रभाव है। आज भी वहाँ पे ई कचरा या जो कचरा था अपशिष्ट पदार्थ आज भी उसी तरह से निकल रहा है। मतलब मनुष्य विकास की जिस सीमा पे बढ़ता जा रहा है, जिस विकास की तरफ अग्रसर होता जा रहा है, उसका दुष्परिणाम, जिसका दुष्प्रभाव हमें मनुष्य के इस प्रकार देखने को मिलता है कि नई नई बीमारियों का प्रतिवर्ष जन्म होता जा रहा है। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके सभी साथियों तक यह वीडियो आसानी से हो सके और यह तैयारी सभी की एक साथ हो सके। हम लोग आखिरी पेज पढ़ने जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके परीक्षा में ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी मेरी तरह तैयार होंगे। पूरी तरह से फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को नष्ट करने के लिए DDT का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, DDT का प्रयोग किया जाता है। ये इतना खतरनाक रसायन है, इसके बारे में बताता हूँ। पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं फिर इसकी व्याख्या हम आपको करते हैं ये किस प्रकार से खतरनाक है। इसके इस्तेमाल से फसलों का उत्पादन उन्नत तो हुआ लेकिन यह रसायन कीटों के साथ साथ मानव और अन्य जंतुओं के हानिकारक है। ये कीटनाशक लंबे समय तक मिट्टी में उपस्थित रहता है और नष्ट नहीं होता। इस कारण कई देशों ने इसके इस्तेमाल पर ही रोक लगा दी। कई देशों ने क्या किया, इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी। मन इस रसायन का एक कीटनाशक रसायन है जिसका प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है कीटों को मारने के लिए, लेकिन उसका असर इस प्रकार होता है कि यदि किसी चरी में अगर इस रसायन का प्रयोग कर दिया जाए, DDT का प्रयोग कर दिया जाए, तो होता क्या है, उत्पादन तो बढ़ जाती है, कीट तो मर जाते हैं, लेकिन उसको यदि कोई गाय या भैंस खाती है फिर उसको जो दूध देती है उस दूध को अगर हम पीते हैं तब भी उस DDT का असर हम पर होता है। इसका मतलब कितना खतरनाक है आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। बस आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस्बेस्टास एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टास एक सिलिकेट रसायन होता है। एस्बेस्टास चादर का प्रयोग छतों और दरवाजों के निर्माण के लिए किया जाता है। अपशिष्ट के रूप में फेंका गया यह रेशेदार पदार्थ हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। यह एस्बेस्टासिस नामक बीमारी का सबसे बड़ा कारण है जिसमें श्वसन क्रिया प्रभावित होती है, जिसकी वजह से श्वसन क्रिया प्रभावित होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप आ जाके देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। पारा एक भारी धातु है जो सामान्य ताप पर तरल अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइएगा आप लोग। यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक बना रहता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा जो है लंबे समय तक बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतु और मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, जो प्राण घातक है। क्या है, प्राण घातक है, चाहे वायु, जल या जीवों के माध्यम से अगर मनुष्य के शरीर तक पहुंचता है प्राण घातक है। यह जीवों के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है। सन 1950 में जापान की एक रासायनिक फैक्ट्री सिस्को ने मिनीमाता खाड़ी में पारे की मरकरी के अपशिष्ट के रूप में फेंक दिया। खाड़ी में पाए जाने मछलियों के खाने से वहां के लोग के तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग ग्रसित हो गए। इसे मिनीमाता रोग कहा जाता है।
देखिए ये परीक्षा प्रश्न आया था, आप जानते भी होंगे, सन 1950 में जापान की एक सिस्को फैक्ट्री का नाम क्या था? सिस्को रासायनिक फैक्ट्री, सिस्को नाम था, जिसने मिनीमाता खाड़ी, जापान में खाड़ी जिसका नाम है मिनीमाता, क्या नाम उस खाड़ी का? मिनीमाता नाम है। मिनीमाता खाड़ी में पारे, पारा क्या होता है? मरकरी की अधिक के अवशिष्ट के रूप में फेंक दिया। मतलब सिस्को कंपनी थी जापान की, उसने क्या किया, मिनीमाता खाड़ी में पारे को अवशिष्ट के रूप में फेंक दिया। जब खाड़ी फेंक दिया तो खाड़ी में पाए जाने वाली मछलियां उस जल को ग्रहण की और उस जल के साथ उनके शरीर के अंदर कौन मरकरी गया, उस मछलियों को खाने के बाद वहां के लोगों के तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग से ग्रसित हो गए, जिसे मिनीमाता रोग कहा जाता है। तो मिनीमाता रोग संबंध किससे है? पारा से या मरकरी से। ठीक, मरकरी अधिकता से मिनीमाता रोग होता है, जापान से प्रारंभ हुआ था। कौन सी खाड़ी? मिनीमाता खाड़ी। कौन सी कंपनी? सिस्को, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाए। ध्यान दीजिए कि यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाए। अब तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बदलती जीवन शैली, प्रयोग करो और फेंको संस्कृति की आदतों के कारण दिन प्रतिदिन अपशिष्ट बढ़ते जा रहे। मतलब क्या है, जनसंख्या जितनी तेज गति से बढ़ेगी, जीवन शैली बदल रही है और लोग प्रयोग करो फेंको संस्कृति पे आ गया। मैंने किसी चीज को यूज करो फेंक दो, चाहे कलम से ले लिया, हर एक वस्तु वो चाहते खरीदे, यूज करे, फेंक दे, दोबारा नहीं ले। तो उसकी वजह से क्या होगा, दिन प्रतिदिन अपशिष्ट पदार्थ बढ़ते जा रहे पृथ्वी पर। क्या हो रहे हैं? अपशिष्ट पदार्थ लगातार पृथ्वी पर बढ़ते जा रहे हैं। अब गांव से लेकर नगरों तक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा से प्रदूषण व गंदगी जैसी समस्याएं हो गई, उसकी वजह से गंदगी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अब आगे देखते हैं, वर्तमान समय में गांव शहरों से निकलने वाले कूड़े कचरे का सही ढंग से निपटान न करने से समस्या बढ़ती जा रही है। अब उसका सही ढंग से निपटान नहीं हो रहा, समस्या और बढ़ती जा रही है। ठीक, अब आगे देखते हैं, खुले स्थानों में कचरे का ढेर लगाने से आसपास के क्षेत्र प्रदूषित होते हैं। खुले स्थान पे अगर कचरे का ढेर लगा दिया जाए तो उससे अन्य स्थान भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। पर्यावरण में बढ़ता यह प्रदूषण मानवता जुधारियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मानव जुधारियों के लिए क्या है? एक सबसे बड़ा खतरा है। कचरे का सही तरीके से प्रबंधन, उसका निस्तारण करना स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कचरे के प्रबंधन हेतु 4 R सुझाए गए हैं, जिनका हमें अनुसरण करना है। जिनको क्या करना है? अनुसरण करना है, याद भी करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा क्या है, ये उपयोगी है। चलते हैं, पहला R1, पहला क्या है? R1। R1 माने रिफ्यूज, क्या करना? रिफ्यूज करना, मना करना। आइए 4 R को पढ़ते हैं। पहला क्या करना? रिफ्यूज करना, मना करना। R1 क्या है? रिफ्यूज, मना कर दीजिए। क्या करना? मना करना। फिर दूसरा R2, रिड्यूस, कम करना, मना करना, कम करना, मना करना, जबरदस्ती करें, ठीक है कम खाते हैं, से कहा भाई खाने का मन है, क्या करना? मना करना, नहीं मन नहीं है, पेट भरा है, फिर अच्छा ठीक है थोड़ा सा कम खाते हैं। R1 का मतलब रिफ्यूज, रिड्यूज, R2 माने रिड्यूज, क्या करना? मना करना, सॉरी कम करना, रिड्यूज माने कम करना, रिफ्यूज पुनः प्रयोग करना, अच्छा ठीक है दोबारा खा के चेक करते हैं, क्या करना? फिर क्या करना? पुनः प्रयोग, उपयोग करना, रीयूज। और R4 का मतलब है रिसाइकल, माने पुनः चक्रण करना। 4 R को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। 4 R को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। R1 रिफ्यूज माने मना करना, रिफ्यूज कर देना, मना करना। R2 रिड्यूज, कम करना, पहले मना करना फिर कम करना, रिफ्यूज रिड्यूज। फिर आता है रीयूज, दोबारा इस्तेमाल करना, पुनः प्रयोग करना। फिर आता है रिसाइकल, पुनः चक्रण करना, पुनः क्या? चक्रण करना, दोबारा बनाना। तो ये 4 R आपके लिए महत्वपूर्ण, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सीआरटी के दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी सभी स्लाइड आपको मिल जाएगी और आप क्रम से देख सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो आपके सभी साथियों तक पहुंच जाए। और हमारे यहाँ आपको पता है ऑनलाइन क्लास वीडियो सभी उपलब्ध है। मैं शेयर करने के लिए कहता हूँ तो इसलिए कहता हूँ ताकि आप तो देख रहे हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाते समय अगर ये देखूंगा तो समय और लग जाएगा, और बाद में कोई वीडियो देखे कहेगा सर बातें ज्यादा करते हैं पढ़ाते कम है। इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी साथियों तक पहुंचे, लाइक करिए ना करिए आपकी इच्छा, शेयर जरूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
और हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी चीजें उपलब्ध हैं। आइए एक एक करके पुनः पढ़ते हैं, एक करके हम लोग पुनः पूरा पहले पढ़ते हैं। आर1 क्या है? आर1 माने क्या है? मना करिए पॉलिथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें तथा दूसरों को भी इस्तेमाल करने से मना करें। पहला क्या था याद करिए, नहीं है मना करना। आर1 क्या था कमेंट बॉक्स बताइएगा, आर1 क्या था। फिर आते हैं आर2, उपयोग को कम करना, रिड्यूस करना, विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपने आवश्यकता अनुसार करें, इससे अपशिष्ट कम से कम निकले, ज्यादा ना निकले, कम से कम निकले। R2, रिफ्यूज, रिड्यूज, फिर रीयूज, रिसाइकल, चार R को याद करना है आपको। R3, पुनः उपयोग करना, क्या करना, रीयूज करना। कुछ कचरा ऐसा होता है जिसका उपयोग पुनः किया जा सकता है, इस प्रकार के चीजों को फेंकने के बजाय उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने से कचरे से निपटान में क्या होगी, मदद हो सकती है, अपशिष्ट पदार्थ मदद होगी। फेंकने की जगह दोबारा यूज कर ले तो अपशिष्ट पदार्थ कम से कम फेंका जाएगा, और उसका इस्तेमाल अगर इस तरह होता रहेगा तो कचरा कम निकलेगा। उदाहरण के लिए हम ऐसे कागजों को जिनसे एक तरफ लिखा या छपाओ पलट कर दूसरी तरफ रफ कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे छोटा लॉजिक तरीका है, खासकर स्टूडेंट लाइफ के लिए। फिर देखते हैं, जैसे कोई कागज, रद्दी कागज, थैला बना के यूज करना, आधी जगह यूज कर लेना, ये भी इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफिल है, सही डाली जा सकती है। ऐसा पेन न लीजिए इसके एक बार यूज करने के बाद आप फेंक दें, ठीक। R4, पुनः चक्रण, रिसाइकल, जो बेकार अनुपयोगी सामानों का रूप बदल कर उन्हें पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। हम अपने घरों में खराब हुए उपकरण, वाहन, अखबार, प्लास्टिक आदि को, कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए दे सकते हैं ताकि उसको दोबारा बनाया जा सके। इस तरह 4R को अपनाकर बेकार अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा को कम करना, उनको अपनी आवश्यकता के अनुरूप पुनः उपयोगी बनाना, प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। माने 4R का उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थों कम करना, और जो अपशिष्ट पदार्थ कचरा कम निकले उसका उपयोग कर लेना, इसे निस्तारण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ मुख्यतः ठोस, द्रव, गैस अवस्था में पाए जाते हैं, अतः इसके निस्तारण की क्रिया भी भिन्न भिन्न होती है। इसलिए इसके निस्तारण की क्रिया भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। ठोस अपशिष्ट निस्तारण, अब देखते हैं कि करके निस्तारण कैसे किया जाएगा, ठीक है। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका जवाब भी जरूर देंगे, ठीक। शेयर कर दीजिएगा, नोट्स ऑनलाइन मिल जाएगा, उसके लिए आपको नंबर आपको पता है, ठीक। इलेनी विद दुर्गेश, अच्छा टेलीग्राम पे जरूर सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा। इलेनी विद दुर्गेश, हमारा खुद का भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इलेनी विद दुर्गेश, उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अपशिष्ट क्या, जलाकर, पहला क्या है जलाकर। अस्पतालों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट संक्रामक होते हैं, इसलिए इसे विशेष प्रकार की भट्टियों में जलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, विशेष प्रकार की जो भट्टी उसमें जलाना चाहिए। किंतु अन्य ठोस अपशिष्ट जैसे पॉलीथीन, फसलों के डंठल आदि होते हैं, प्लास्टिक आदि आदि को खुले स्थान में जलाकर उचित नहीं, क्योंकि इनसे निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और वायुमंडल को भी प्रदूषित करता है। अब जानते हैं हरियाणा में, पंजाब में जलाया जाता है डंठल भूसी को, तो पूरा कोहरे से दिल्ली पड़ जाता है, ठीक। कारण बताइएगा क्यों, पहला भूमि भरण कर, भूमि, दूसरा भूमि भ्रमण कर, पहला जलाकर दूसरा भूमि भ्रमण कर। ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की सबसे पुरानी उपयोगी विधि, सबसे पुरानी और उपयोगी विधि है। अच्छा, इसमें बस्ती से दूर बंजर या अनुपयोगी भूमि में अपशिष्ट को डालकर पतली तह में फेंक दिया जाता है तथा मिट्टी से दबा दिया जाता है। आजकल इन कूड़े कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने के लिए किया जाता है। आजकल इन कचरों का प्रयोग गड्ढों को भरने के लिए किया जाता है। यह विधि सस्ती उपयोगी है, यह विधि सस्ती भी उपयोगी है,
किंतु सही ढंग से अपशिष्ट का निस्तारण नहीं करने से दुर्गंध भी फैलती है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अगर देखते हैं कंपोस्टिंग, ये भी आपकी यूपीटीटी का पूछा प्रश्न है। यदि सभी भर्ती परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हल्के मत लीजिएगा। अरे सर पढ़ा रहे हैं, पढ़े या ना पढ़े, देखिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। आते हैं कंपोस्टिंग की बात करते हैं। जैविक कचरा, जैविक कचरा जैसे जैविक कचरा जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, जानवरों के मल मूत्र, सूखी पत्तियां, डाली आदि को गड्ढे में दबाकर मिट्टी ढक दिया जाता है, इसे कंपोस्टिंग कहते हैं। जैविक कचरा हम पीछे पड़ चुके हैं, इसे क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। ये अवशिष्ट 2-3 माह में गलकर जैविक खाद में बदल जाते हैं, इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। और इससे जो उत्पन्न खाद होते हैं कंपोस्टिंग खाद कहा जाता है। इस तरह से बनी खाद को उपयोग बगीचे खेतों में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग जैविक कचरे का पुनः चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है और ये प्राचीन तरीका याद रखिएगा। इससे हमें 2 फायदे, पहला हमें जैविक खाद प्राप्त होती है, पहला इससे हमें जैविक खाद प्राप्त होती है, दूसरा कचरे का निपटान भी हो जाता है, उससे हमें खाद भी प्राप्त हो जाती है और कचरा भी खत्म हो जाता है। ठीक, तो आगे देखते हैं। अजैविक ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, सामान तथा खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निपटान कबाड़ी को पुनः चक्रण के लिए देकर किया जा सकता है। आपने देखा होगा सार्वजनिक स्थान पर, पार्क, स्टेशन, बाजार, रेलवे ट्रैक आदि जगह पर 2 रंग के कूड़ेदान, हरा और नीला रखे जाते हैं। जैविक और अजैविक कचरे का निस्तारण अलग अलग करने के लिए व्यवस्था की जाती है। हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा, हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा, ध्यान दीजिए, हरे कूड़ेदान में जैविक कचरा जिसे गलने वाला कचरा तथा गीला कचरा कहते हैं। देखिए हरे वाले में क्या कहते हैं, गला कचरा या गीला कचरा रखा जाता है, तथा नीले कूड़ेदान में अजैविक कचरा, लाल दिख रहा है लेकिन नीला कचरा, इसमें अजैविक कचरा होता है, ठोस कचरा होता है, ना गलने वाला सूखा कचरा डाला जाता है। आप भी अपने विद्यालय में कूड़ेदान रखकर 2 तरह के ना गलने वाला अलग अलग कर सकते हैं, ताकि इसे पुनः चक्रण करने में समस्याएं ना आए। अस्पताल से निकलने वाला चिकित्सीय अवशिष्ट लाल रंग के कूड़ेदान में एकत्रित किया जाता है। अच्छा, जो अस्पताल से निकलता है उसे लाल रंग में एकत्रित किया जाता है, ठीक, लेकिन आजकल आपको हरा और नीला मिलेगा, ठीक, जिसका सूखा कचरा और गीला कचरा। ये काफी लंबा अध्याय है, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, हम तो पढ़ा ही रहे हैं आपको, बस आप लोग साथ में पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं। द्रव अपशिष्ट पदार्थ की बात करते हैं। द्रव अपशिष्ट पदार्थ क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। अपशिष्ट को उपचारित करने के पश्चात ही जल स्रोतों में मिलाना चाहिए, अन्यथा जल संकृत हो जाएगा। अब अगर बिना उसके मिलाए तो जल तो संकृत हो ही जाएगा, ठीक है, तथा पीने व अन्य कार्यों को योग्य नहीं रहता, था पीने इसके अन्य कार्यों के लिए नहीं रह जाता। शहरी इलाकों में सीवेज सिस्टम से गंदे पानी का निकास होता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों से पानी का निकास नहीं होता। इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP होता है, जहां सारे गंदे जल को उपचारित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP होता है, ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इसे लिख लीजिएगा, क्या होता है, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक, जहां शहरों के गंदे जल को उपचारित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के निकास स्थान पर सोक पिट बनाकर जल को उपचारित किया जाता है, उन्हें पुनः उपयोग में लाया जाता है, ठीक, और गंदे पानी के निस्तारण के लिए सोक पिट कैसे तैयार किया जाता है, आइए हम लोग इसे जानते हैं। ऐसा कहाँ लिखा है, आपके प्राथमिक की किताब में। घर से कुछ दूर एक गहरा गड्ढा खोदें, घर से दूर है क्या करें, गड्ढा खोदें, उसकी सतह में ईंट पत्थर टुकड़े डाल दें, खपरेल की कूटन डालकर बालू की परत बिछा दे, गड्ढों के ऊपर ढक दे, इस प्रकार आपका सोकपिट तैयार हो जाएगा। ऊपर से कभी चूना छिड़के, नाली द्वारा पानी बहने के स्थान को सोकपिट से जोड़ दे। अच्छा, सोकपिट बनने का मतलब क्या है कि जल अंदर चला जाएगा, बाकी चीजें ऊपर रह जाएंगी, वही सोकपिट हो गया, ठीक। और STP का फुल फॉर्म बताइएगा, STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।
आइए गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण देखते हैं। ईट भट्टो उद्योग चिमनियों को ऊंचा करके क्या करने का, ऊंचा करके ध्रुम और छेपक लगाकर गैसीय अपशिष्ट का उचित निस्तारण किया जा सकता है। इसी तरह बायोगैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में करके लकड़ी कोयला आदि भोजन पकाने के स्थान पर गैस चूल्हा एलपीजी का फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एलपीजी का फुल फॉर्म का प्रयोग करके भी गैसीय अपशिष्ट की मात्रा को कम किया जा सकता है। आते हैं अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकारी प्रयास, अपशिष्ट निस्तारण हेतु सरकारी प्रयास उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सरकारी प्रयास क्या है? सामुदायिक स्वच्छता बनाए रखने अपशिष्ट पदार्थों को स्थित निस्तारण के लिए विभिन्न निकायों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं, हमें इनके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए, इन योजनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। आइए हम लोग उन सभी के बारे में एक एक करके क्रम से पढ़ते हैं। देखिए ग्राम पंचायत क्या क्या काम है, एक इकाई हो गई सार्वजनिक स्वच्छता अपशिष्ट के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रम। ग्राम पंचायत स्तर पर जल निकास हेतु नालियों का निर्माण, उनकी नियमित सफाई ग्राम पंचायत। सार्वजनिक कूड़ा घरों घर गड्ढों का निर्माण करना, कुआं व तालाबों की नियमित सफाई तथा उनमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना ग्राम पंचायत का काम है। किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराना ग्राम पंचायत का काम है। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जन जागरण का अभियान चलाना ग्राम पंचायत का है। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सार्वजनिक शौचालय कूड़ा घरों का निर्माण एवं उनका रख रखाव ये क्षेत्र पंचायत का काम है। क्या है? सार्वजनिक शौचालयों कूड़ा घरों का निर्माण उसका रख रखाव ये क्षेत्र पंचायत का काम है। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान किस अनुसूची में वर्णित है, ठीक आगे देखते हैं। गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना क्षेत्र पंचायत। धुआं रहित चूल्हों को उपयोग को बढ़ावा देना क्षेत्र पंचायत। जलाशयों की सफाई क्षेत्र पंचायत। ठीक सॉरी ये तो जिला पंचायत का काम है, जिला पंचायत तो नगर पालिका की संयुक्त काम है। क्या क्या? गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना, धुआं रहित चूल्हों को उपयोग बढ़ावा, जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण। गोबर गैस बायोगैस संयंत्र की स्थापना उसका रख रखाव, कूड़ा घरों का निर्माण उनका रख रखाव, कचरों का निस्तारण करना, नालों सीवर लाइन का निर्माण उसकी सफाई, तालाब जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालय निर्माण उनका रख रखाव, ये किसका काम है? जिला पंचायत नगर पालिका परिषद का। नगर पालिका परिषद नगर पालिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, आप बताइएगा। और नगर पालिका परिषद में कुल कितने विषय है, और संविधान किस संशोधन के द्वारा नगर पंचायत ग्राम पंचायत नगर पालिका का गठन किया गया, ये संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये बताइए कमेंट बॉक्स में। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों की पहचान करते हुए उनके निवारण के बारे में समुचित उपाय सभी का दायित्व है। हम सभी का मिला जुला प्रयास पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये काफी बड़ा अध्याय था लेकिन हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न पढ़ लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। दिया है अपशिष्ट किसे कहते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में आपका। फिर ठोस द्रव और गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हैं, उनके दो दो उदाहरण दीजिए। उदाहरण आप देंगे, हम नहीं। गैसीय अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत क्या है, आप बताएंगे। अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभाव को उदाहरण से समझाइए। सॉकपिट बनाने की विधि बताइए। ई कचरा से आप क्या समझते हैं? कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपयोग में लाना चाहिए? प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक क्यों है? बाकी उपयोग के विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, हाँ या ना, सही या गलत बताइए। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है, सही या गलत? अपशिष्ट पदार्थ ठोस द्रव गैस के रूप में होते हैं, सही या गलत? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हमने आज पार्ट 3 को खत्म कर दिया, काफी लंबा पार्ट था। कल जो हम लोग को पढ़ना है, अच्छा भी और है कूड़े कचरे का निस्तारण, अच्छा ये सब, फिर मिलाने वाला मिलान करने वाला देखिएगा, मिलान करने वाला आप कर दीजिएगा स्वयं से। ठीक इसके बाद का जो लेसन है वो जल है, इसके बाद हम लोग जल पढ़ेंगे, कल का अध्याय है वो। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई समस्या है कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हम उसका निराकरण करेंगे। और आप भी अपना बेस्ट देते रहिए ताकि हम लोग मिलकर एक नया इतिहास रच सकें,
और हाँ, ये सभी परीक्षाओं के लिए सबसे बेहतर है। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए आप पर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप से जानकारी कर चाहिए 7355179012 पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए। जैसे आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, इलेनी विद दुर्गेश आ जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह इलेनी विद दुर्गेश। हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, सभी चीज़ें उपलब्ध है। हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन इलेनी विद दुर्गेश, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर लीजिएगा। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके हमें कमेंट बताइएगा, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, पढ़ते रहिएगा, ये पर्यावरण के लिए सबसे अचूक किताब है, और ये जो फ्री में मिलती है इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।